हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवभारती स्टडी सर्किल। फोर्थ चैप्टर का आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसका वर्क निकालते हैं, यानी कैपेसिटर में क्या वर्क किया जाता है। जब हम दो कंडक्टर्स लेते हैं सेम साइज एंड शेप के, मतलब वो क्या होनी चाहिए, प्लेट्स होनी चाहिए। तो उस सरफेस पे जब हम चार्जिंग करेंगे और चार्ज ट्रांसफरिंग करेंगे, मान लो प्लेट ए ली है और प्लेट बी ली है, तो ए टू बी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस प्लेट पर आए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ उतने ही नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सेम साइज की और शेप की प्लेट है और साथ साथ उन पर जितना चार्ज आ रहा है वो क्या है, अमाउंट में इक्वल चार्ज है, लेकिन ऑपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है। या हम बात करेंगे एनर्जी की, तो एनर्जी कैपेसिटर में किस तरह से सेव होगी, जितना चार्ज दोनों प्लेट्स को दिया जा रहा है, सेम चार्ज दिया जा रहा है, ऑपोजिट है, तो जितना चार्ज हम देंगे उसको, वही वर्क डन जो है वो कैपेसिटर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने कैपेसिटर को चार्ज दिया और यही जो चार्ज देने का जो वर्क डन हमने किया है, वही वर्क डन कैपेसिटर के बीच में, जो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी की फॉर्म में वो वर्क सेव हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क निकाल कर उस वर्क को हमें एनर्जी के इक्वल लिखना है। तो सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। ये हमने प्लेट ए ली है और ये प्लेट क्या है, बी है, कंडक्टर्स। अब यहां पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे कब, जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस प्लेट पर आ जाएंगे, तो जितने पॉजिटिव चार्ज यहां है उतने ही नेगेटिव चार्ज यहां बन जाएंगे। ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज होंगे। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस टू माइनस इस तरह से बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमें बात करनी है कि हमें जो वर्क निकालना है उस वर्क का फॉर्मूला यहां पर लिखना है। तो वर्क इक्वल्स टू, जनरली हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, लेकिन कैपेसिटर में जो वर्क आएगा वो पोटेंशियल के फॉर्म में हम लिखेंगे। किस तरह से, हमने बात की थी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला हमारा पड़ा हुआ है। तो इससे हम वर्क निकालेंगे। अगर हम इंस्टेंट वर्क की बात करें तो इंस्टेंट वर्क जो है वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डैश डी क्यू हमने लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें जब कैपेसिटर को चार्ज करना होता है तो एकदम से हम उसको चार्ज नहीं दे सकते, हम जीरो टू धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे चार्ज देना, तो जस्ट पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो मान लो हमें जीरो टू चार्ज देना है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू का मतलब क्या है कि उसको मैक्सिमम हम चार्ज दे चुके हैं, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जो चार्ज का अमाउंट होगा वो कितना होगा, कैपिटल क्यू होगा। लेकिन अगर हम इंस्टेंट चार्ज की बात करें, क्योंकि हमें वर्क निकालना है इंस्टेंट वर्क, तो मान लो हमने चार्ज देना स्टार्ट किया और बीच में हमने मान लिया कि ये क्या है, इंस्टेंट चार्ज है, और इस चार्ज को देते हुए जो वर्क हुआ वो इंस्टेंट वर्क क्या है, डी डब्ल्यू है, और जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वहां पर जो इंस्टेंट पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी डैश से। इसका मतलब अगर हम जीरो टू कैपिटल क्यू चार्ज देंगे किसी कैपेसिटर को तो पोटेंशियल किस तरह से इंक्रीज होगा, जीरो टू वी इंक्रीज होगा। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, वी है, मैक्सिमम जो चार्ज है वो क्यू है, तो हम इंस्टेंट पोटेंशियल मान लेंगे वी डैश और इंस्टेंट चार्ज मान लेंगे क्यू। तो जितना इंस्टेंट वर्क हुआ उस चार्ज क्यू को देने में वो होगा डी डब्ल्यू। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी डैश डी क्यू। अब आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहां पर क्यू के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि v डैश कितना होगा। देखिए c इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं, q अपॉन v पढ़ते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, q अपॉन c आ गया। तो अगर हम बात करें
डी डब्ल्यू की, तो यहां हम बी डैश का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, और यहां हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो लिमिट होगी वो किसकी लगेगी, क्यू चार्ज की ही लिमिट लगेगी, कहां से कहां तक हम चार्ज दे रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और कैपिटल क्यू मैक्सिमम वैल्यू तक हम उसको चार्ज करेंगे, तो यहां आ जाएगा जीरो टू कैपिटल क्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू वन अपॉन सी को हम बाहर ले लेते हैं, और क्यू का इंटीग्रेशन होगा तो वो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू। ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूं कि अगर इंटीग्रेशन करना हो हमें, मान लो x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फॉर्मूला बनता है। उसी तरह से हमारे पास q के लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है q के रेस्पेक्ट में, q का करना है तो q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 है प्लस 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1, देन q स्क्वायर अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब क्या करेंगे, हमें लिमिट पुट करनी है 0 टू कैपिटल Q, W इक्वल्स टू वन अपॉन सी, कैपिटल Q पुट करेंगे तो कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन टू माइनस, ये अगर जीरो पुट किया तो पूरी टर्म जीरो हो गई, तो हमारे पास जो इसका वर्क का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, Q स्क्वायर अपॉन टू सी। तो ये क्या है, वर्क है, और यही वर्क क्या होगा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से, हम यहाँ जो वर्क निकाल रहे हैं यही क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी के हम यहाँ पर तीन फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। अगर हम Q का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें और दूसरा हम C का फॉर्मूला पुट करें तो वापस हमें इसी तरह से दो इक्वेशन मिलेगी। तो देखते हैं इसको, हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आया है Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसका मतलब क्या है, ये जो वर्क है वही क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब C इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, Q अपॉन V लेकर चलते हैं, या हम Q का और C का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर हम Q लिखें तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, CV, तो अगर इस फॉर्मूले में हम CV पुट करें Q की जगह तो Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C से कैंसिल आउट तो U इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 C V स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास ये आती है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले में जब C का फॉर्मूला पुट करेंगे हम Q अपॉन V तो क्या इक्वेशन बनकर आती है, U इक्वल्स टू अगर हमें C की जगह क्या पुट करना है, Q अपॉन V पुट करना है तो Q स्क्वायर अपॉन 2 C की जगह Q अपॉन V पुट किया, Q से एक Q कैंसिल आउट, U का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है 1 अपॉन 2 Q V। तो ये हमारे पास क्या आती है, एनर्जी का फॉर्मूला थर्ड आता है। तो ये फॉर्मूलाज निकालने का मतलब क्या है, अगर हमें क्यू एंड सी की वैल्यू दे रखी हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, सी एंड वी की वैल्यू दे रखी हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड क्यू एंड वी की वैल्यू दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन 2 सी 2 सो ऑन, ये इक्वेशन पढ़ते हैं। तो 1 अपॉन सी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उस कॉम्बिनेशन में अगर हमें सारे के सारे जितने कैपेसिटर्स हैं उनकी एनर्जी का सम अप करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 अपॉन सी किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले में आ रहा है 1 अपॉन सी। तो आगे हम यही बात करने वाले हैं, जब हम कॉम्बिनेशंस में क्या पढ़ेंगे, कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह से कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो डायरेक्ट C जो है किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले में आ रहा है। तो ये C का फॉर्मूला वहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहां यूज आने वाला है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पर, कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है और एक चार्ज है। तो तीनों का मिक्स फॉर्मूला जो है वो तीन तरह से बन सकता है जिसमें हम दो दो क्वांटिटीज लेकर चल सकते हैं। तो जितने फॉर्मूले यहाँ पर मैक्सिमम बन सकते थे हमने बना लिए हैं,
हमने एनर्जी की बात की है जो कि वर्क डन निकाल के उसको इक्वल रख दिया है हमने स्टोर्ड एनर्जी के। अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, तो जो डेंसिटी निकलेगी वो एनर्जी डेंसिटी निकलेगी। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन हम चूज करेंगे जिसके अंदर हम वॉल्यूम इजिली बना ले, इधर अगर वॉल्यूम बन गया उस वॉल्यूम को हम डिवाइड में लेके गए एनर्जी के, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बनते ही क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। तो देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। देखिए हमने इक्वेशन ली है यू इक्वल्स टू वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर। यहां जो v है वो क्या है, पोटेंशियल है। ये c क्या है, कैपेसिटेंस है। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें तो हम लिखते हैं a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी होती है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होता है। यानी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, एरिया के तो प्रोपोर्शनल होती है, और स्मॉल d दोनों प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो c का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, साथ ही v इक्वल्स टू ई डी पुट करेंगे। इसको पुट करने का मतलब ये है कि हमारे पास एरिया आ जाएगा और d डिस्टेंस आ जाएगी, तो एरिया और डिस्टेंस मिलके वॉल्यूम क्रिएट होगा, वही वॉल्यूम हमें चाहिए था। तो u इक्वल्स टू वन अपॉन टू c का फॉर्मूला हमने a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d पुट किया, v स्क्वायर है तो e स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। अब बात आती है वन अपॉन टू, यहाँ देखिए d से एक d कैंसिल आउट, एक d बच रहा है, तो इसको हम साथ में ले लेंगे e स्क्वायर, और ad को अलग से लिख लेंगे। यहाँ जो ad है वो बन रहा है वॉल्यूम, तो ad को लिख लेंगे हम v। ये जो v है वो वॉल्यूम है, और जो फॉर्मूले में पहले v था वो हमारे पास पोटेंशियल था। तो u इक्वल्स टू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर v। ये v जो है वो एनर्जी के डिवाइड में आते ही क्या बना देगा, इसको एनर्जी डेंसिटी बना देगा। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u से, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो इस तरह से हम एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और एनर्जी निकालने के बाद अगर एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में हम देखें तो उसको हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ हमने एक इक्वेशन, जो तीन इक्वेशन निकाली थी उसमें से हमने ये वाली इक्वेशन चूज की है जिसमें हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, सीधे सीधे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d पुट किया हमने, v इक्वल्स टू ई डी पुट किया, देन d से d कैंसिल आउट हो गया, एक d यहाँ बच रहा है, तो a एंड d ये दोनों मिलकर वॉल्यूम बना लिया इसने। तो ऐसे ही इक्वेशन हम पहले के चैप्टर्स में एनर्जी के लिए निकाल चुके हैं। तो एनर्जी जो डेंसिटी आती है हमारे पास वो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आती है। तो ये हमने देख ली है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो हम पहले लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखते हैं कि उसमें किस तरह से कैपेसिटर्स की एनर्जी निकाली जाएगी, और जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की क्या देखेंगे, स्टोर्ड एनर्जी देखेंगे, तो दोनों कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों कॉम्बिनेशन में एनर्जी जो है वो किस तरह से स्टोर होती है। अगर हम कॉम्बिनेशन में उसको पढ़ें, क्या उन दोनों में कुछ डिफरेंस आता है, या फिर दोनों ही एनर्जी दोनों कॉम्बिनेशन में सेम आती है, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टोर्ड एनर्जी पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन अब हमने कर दिया, पहले तो हमने बात की थी कि एक कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है वो क्या होती है। तो हमारे पास इक्वेशन निकली थी q स्क्वायर अपॉन 2c, या फिर हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2 cv स्क्वायर, या फिर qv अपॉन 2, ये इक्वेशंस थी। अब हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन में एनर्जी किस तरह से स्टोर होगी, और क्या दोनों कॉम्बिनेशंस में जो एनर्जी का सम आएगा वो इक्वल आएगा या नहीं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो हम लिखेंगे 1 अपॉन सी एस। सी एस का मतलब है, यहाँ जो एस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया है, तो 1 अपॉन सी1 प्लस 1 अपॉन सी2
प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डैश डैश वन अपॉन सी एन। अप टू हमने कैपेसिटर्स ले लिए हैं एन कैपेसिटर्स, तो उनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो वन टू एन कैपेसिटेंस होगी। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हमारे पास एनर्जीज के तीन फार्मूलाज थे, वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर, यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी एंड यू इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन टू। तो यहाँ पर वन अपॉन सी में कौन सा फार्मूला है, यू का सेकेंड वाला फार्मूला है, तो हम ये पुट करेंगे, यू इक्वल्स टू हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी है, तो वन अपॉन सी एस लिख लेंगे। तो ये जो वन अपॉन सी एस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को जो सेकेंड इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब वन अपॉन सी वन सी एस की, वन अपॉन सी एस की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन, तो इस तरह से हम इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी जानना चाहें तो क्यू स्क्वायर को अपॉन टू सी को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी थ्री अप टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी एन। तो यहाँ ये कौन सी एनर्जीज है, ये हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जीज है जो उन कैपेसिटर्स में सेव्ड हुई है, स्टोर हुई है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी है, इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल्स टू यू वन, सेकेंड की यू टू, थर्ड की यू थ्री अप टू यू एन। तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आती है वो कौन सी आती है कि टोटल एनर्जी जो होगी इन कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल एनर्जी होगी इंडिविजुअल जितने भी हमने कैपेसिटर्स लिए हैं उनमें जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उनका सम। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है U इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ये एनर्जी इससे कुछ डिफरेंट आती है या सेम आती है, देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम लिखते हैं सी पी, पी का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये डायरेक्टली प्लस होती जाएंगी इसकी कैपेसिटेंस और हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए डायरेक्ट सी का फॉर्मूला हमें मिल रहा है इस इक्वेशन में, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे एनर्जी के लिए, यू इक्वल्स टू वन अपॉन टू वी स्क्वायर और यहाँ हम लिख लेंगे सी पी, सी पी की इक्वेशन हमारे पास है, पुट करेंगे इसके अंदर U इक्वल्स टू वन अपॉन टू वी स्क्वायर, सी पी के लिए हम लिखेंगे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू सी एन, ये सारे के सारे कैपेसिटेंस जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो U इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आता है वन अपॉन टू सी वन वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सी टू वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सी थ्री वी स्क्वायर अप टू वन अपॉन टू सी एन वी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज क्या हैं, ये इंडिविजुअल जितने भी हमने कैपेसिटर्स यूज किए हैं उनमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो अलग अलग जो एनर्जीज हैं वो प्लस होती जा रही है, तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, यू इक्वल्स टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला बनता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में बना था। इसका मतलब क्या है, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कैपेसिटर्स की जितने हमने कैपेसिटर्स उसमें लगाए हैं सर्किट में उन सब की जो एनर्जीज हैं वो डायरेक्टली क्या होगी, सम हो जाएगी, वही कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी क्या हुई उसके इक्वल होगी। तो आज हमने बात की है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, जितना वर्क डन हुआ चार्ज को देने में वही एनर्जी है, और एनर्जी के फॉर्मूला हमने तीन निकाल लिए हैं, कोई भी एक फॉर्मूला लेके हम एनर्जी डेंसिटी निकाल चुके हैं और कॉम्बिनेशन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हम टोटल एनर्जी निकाल चुके हैं कि जितने कैपेसिटर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग कितनी टोटल एनर्जी उसमें सेव होगी। तो दोनों में कॉम्बिनेशन में सेम एनर्जी स्टोर हुई है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।